हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं फूल गोभी की सब्ज़ी। बिल्कुल अलग तरीके से इसको बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गर्म पानी डाल देंगे, उबला हुआ पानी है ये। तो यहाँ पर पानी मैंने डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं एक चम्मच से नमक। और अब इस तरीके से गोभी को थोड़े से मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ के इसमें डाल देंगे और डाल के इसको छोड़ देंगे कम से कम आधे से एक घंटे के लिए। इसको मैं इसी में रहने दूंगी, तो ढक के इसको हम छोड़ देते हैं एक घंटे के लिए। तो यहाँ पे आधे घंटे के लिए ही मैंने इसको रखा था। और अब क्या करते हैं, इसको हम इस पानी में से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई छलनी है तो छलनी में निकाल लेंगे और इसको अब हम नलके के नीचे एकदम अच्छे से धो लेंगे, फिर से छलनी में ही बढ़िया से धो लेंगे। तो धोने के बाद इसको हमने कद्दूकस कर लेना है। आप वैसे इसको चाहें तो चॉपर में भी चला सकते हैं या फिर मिक्सी में भी दरदरा सा पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कद्दूकस कर लिया है, तो इसको अभी साइड में रख देंगे। अब इधर एक मिक्सी के जार में आधा कप मैंने ली है चने की दाल, और इसमें मैंने डाल दी तीन हरी मिर्च, तीन चार कली लहसुन की डाल दी है, और एक चम्मच से इसमें जीरा डाल दिया। और इसको हम पीस लेंगे। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, बिना पानी डाले ही इसको मैंने एक बार पीस लिया है। अब जो गोभी का जो पीछे वाला हिस्सा रह जाता ना, उसको मैंने इसी में डाल देना है कट करके, और इसी के साथ पीस लूँगी। कद्दूकस करने में इसके रेसे रह जाते हैं, इसलिए इसको हम पीस लेंगे दाल के साथ ही। तो इसको फेंके नहीं, इसमें टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, तो इसको इस तरीके से पीस के यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, दाल में बस दो चम्मच पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने इसको निकाल लिया। अब इसी में गोभी को भी डाल देते हैं जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई थी, और अच्छे से मिला लेंगे। तो इसमें अभी मसाले नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर इसमें नमक वगैरह डाल देंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा और गीला हो जाएगा, और गीला हमने इसको नहीं करना है। तो इसको मैं अभी ऐसे ही मिक्स करके बस रख देती हूँ, ढक के फ्रिज में रख दूँगी। जब हमको तैयार करना होगा तब इसको निकाल के मसाले इसमें डालेंगे। और इधर अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें दो बड़े चम्मच से सरसों का तेल, तीन सूखी लाल मिर्च, एक तेज़पत्ता डाल दिया, और थोड़ा सा जीरा और मेथी भी इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पक जाने देंगे, भुन जाने देंगे। उसके बाद मैंने दो प्याज लिए हैं, प्याज को भी हमने अच्छे से फ्राई करना है, बढ़िया से प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। तो देखिए, प्याज हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है, अच्छा कलर भी आने लगा है इसमें। इसमें अब डाल देते हैं एक चम्मच से अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम प्याज के साथ बस एक मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से भुन गई है। तो मैंने दो टमाटर लिए हैं, टमाटर इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और टमाटर को भी थोड़ा सा गलने तक हमने पका लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल देती हूँ ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। तो टमाटर यहाँ पे थोड़े से पक गए हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच से धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें टेस्ट के हिसाब से अपने लाल मिर्च डाल देंगे। मैंने आधा छोटी चम्मच से डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है मैंने, और मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मसाले अच्छे से यहाँ पर पक गए हैं, बढ़िया से गल गया है, सारे टमाटर वगैरह अच्छे से गल गया है। तो अभी इसको हम गैस का फ्लेम स्लो पे रखेंगे, और इधर जो हमने गोभी और दाल को मिक्स करके रखा हुआ है, इसमें फटाफट से मसाले डाल देते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा ही चम्मच छोटी चम्मच से गरम मसाला डाल दिया, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, एक छोटी चम्मच से अजवाइन डाल दी है। तो अच्छे से हाथ से इस तरीके से हमने इसको मिला देना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बारीक कट करके प्याज भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हमने अपने पसंद के हिसाब से शेप दे देनी है। आप चाहें तो गोल गोल बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ लंबाई में, इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, कोई मेहनत नहीं है इसको बनाने में।
देखिए इस तरीके से मैं आज इसको बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। और इधर हमारा मसाला भी देखिए अच्छे से भुन गया है, एक बार अच्छे से इसको चला देंगे। और इसमें अब 2 चम्मच से मैं डाल रही हूँ ताज़ा दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, अगर खट्टा दही है तो आप 1 ही चम्मच डालिए या फिर स्किप भी कर सकते हैं, दही के बिना भी आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे एक जाली वाला प्लेट लिया है देखिए इस तरीके से, और इसमें मैंने तेल लगा के अच्छे से इसको ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमने कोफ्ते बना के रखे हुए हैं इसमें लगा देने हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने देना है। वैसे अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी स्टीम कर सकते हैं, तो इसको हम पकने देते हैं। तो इधर 15 मिनट के बाद ये अच्छे से पक चुका है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा करके निकाल लेंगे इसमें से। तो मैंने इसको ठंडा करके निकाल लिया और इधर हमारी जो मसाले है ग्रेवी है वो भी देखिए बहुत अच्छे से पक गई है। इसको मैंने फिर से लगातार चलाते हुए ही बिना ढके ही अच्छे से भून लिया है सारा। इसका देखिए पानी सूख गया है और मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। तो मैंने 2 से 2.5 कप के करीब पानी डाला है, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इसमें और बढ़िया से इसको उबलने देंगे। एक उबाल जैसे ही आएगा इसको हम ढक देंगे और मीडियम आंच में कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ 5-7 मिनट के बाद देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच से, बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और जो कोफ्ते बना के रखे हुए हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद भी ढक के इसको हम मीडियम आंच पे कम से कम 5 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से, ताकि कोफ्तों में बढ़िया से ग्रेवी अंदर तक चली जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से कस्तूरी मेथी डाल दी है, जिसको कि मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया था, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी गोभी की सब्जी बन के तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है, आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ या फिर रोटी पराठे के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने ना 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया, इससे सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।